welcome back to my channel. क्या आप fair और glowing skin चाहते हैं? बेशक, हर कोई चाहता है कि उसकी skin glow और एकदम fair हो, है ना? तो चलिए, आज इस video में मैं आपकी हर skin problem का एक solution लेके आई हूँ और ये solution देखने के लिए सबसे पहले मेरे channel को subscribe कर दीजिए ताकि ऐसी ही आपको informational videos मैं देती रहूं और आपके पास मेरे videos के update पहुंचते रहें। तो फटाफट से subscribe कीजिए और bell icon को click कर दीजिए। आज हम इस video में बात कर रहे हैं अपनी fair और glowing skin के लिए। देखिए, जो आपकी skin tone है, वो आपके DIYs और आप कोई भी ब्रांड की कोई क्रीम यूज कर रहे हैं फेयरनेस के लिए तो उससे आपकी स्किन का कलर एक दो शेड्स लाइट हो सकता है, ब्राइट हो सकता है, लेकिन अगर आप बोलें कि आपका शेड 10 है और आपको 1 शेड चाहिए तो ऐसा नहीं होता है। ऐसी कोई भी क्रीम नहीं है। एड्स में जरूर दिखाया जाता है कि ये जो क्रीम है ये आपके स्किन टोन को लाइट करेगी, आपको गोरा बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब झूठ है। आपके स्किन टोन को थोड़ा सा लाइट कर देगी, थोड़ा सा ब्राइट कर देगी, लेकिन जो आपका ओरिजिनल स्किन कलर है वो ही रहता है हमेशा। आपकी बॉडी, आपकी जो स्किन होती है, सन के कॉन्टैक्ट में आती है, डस्ट के कॉन्टैक्ट में आती है, तो आपका जो ओरिजिनल स्किन का कलर होता है वो थोड़ा फेड होने लग जाता है, डार्क होने लग जाता है। सन बर्न के कारण, हमारे सन टैन के कारण वो थोड़ा डार्क होने लग जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काले हो गए हो। आप आपके घर में DIYs ट्राई करके आपकी स्किन टोन को इक्वल रख सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब हम धूप में जाते हैं गर्मियों में स्पेशली, हमारा स्किन जो होता है टैन हो जाता है, हमारा नेक एरिया, हमारी हाफ बाजू, जो भी हमारा बॉडी पार्ट सन के कांटेक्ट में होता है वो डार्क कलर हो जाता है और जो हमारा कवर्ड होता है बॉडी पार्ट वो हमारा ओरिजिनल नेचुरल वही कलर रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बाहर जाते हैं, सन से हमारा स्किन बर्न होता है तो वो शेड डार्क हो जाते हैं, डस्ट से हमारी बॉडी कांटेक्ट में आती है, हमारी स्किन कांटेक्ट में आती है तो वो हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं, हमारी स्किन टोन को डार्क कर देते हैं। लेकिन हम अपनी ओरिजिनल स्किन टोन को वापस लेके आ सकते हैं कुछ ऐसे DIYs या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ओरिजिनल हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करके जो हमारे सन टैन को, डस्ट को, हमारी स्किन में से हमारी इम्प्योरिटीज जो होती हैं स्किन में उनको सब को खत्म कर देती है और हमें हमारा ओरिजिनल कलर मिल जाता है, हमारा ओरिजिनल हमारा स्किन कलर मिल जाता है। जब हम पैदा होते हैं जो हमारा स्किन का कलर तब होता है वही कलर हमेशा रहता है हमारा स्किन का, बस उस पे थोड़ा सा टैन होने की वजह से हमें थोड़ा हमारे स्किन का कलर चेंज लगता है, लेकिन अगर हम अपने स्किन की केयर करेंगे प्रॉपरली तो उससे ये चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हर कोई चाहता है हमेशा जवान और सुंदर दिखना, है कि नहीं? तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो आपकी स्किन ब्यूटी प्रॉब्लम को एकदम खत्म कर देगा, जड़ से खत्म कर देगा। एंड डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि मुझे भी दिया, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे अच्छा रिजल्ट मिला इससे, इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ, क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आपको उन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बता दूंगी, आप चाहें तो वो इंग्रेडिएंट्स घर पे इकट्ठा करके भी बना सकते हैं उस जो मैं आपको बताने वाली हूँ उस पाउडर को आपकी स्किन के लिए। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप ये छोटा सा एक प्रोडक्ट है लेके आइए और यूज़ कीजिए,
बिल्कुल डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेगा आपको फर्स्ट यूज में। ये रहा हमारा प्रोडक्ट बॉडी उबतन बाय पतंजलि। ये मैं यूज करी हूँ, मैंने यूज किया हुआ है, खुला हुआ पैकेट है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने यूज किया, फर्स्ट यूज में मुझे तब बढ़िया रिजल्ट मिला है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर है चिरौंजी, मसूर दाल, उड़द दाल, जौ, पीली सरसों, सोयाबीन, चावल, बादाम, हल्दी और कपूर। ये सारी चीज़ें एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। आप ये सारी चीज़ों को पाउडर फॉर्म में लेकर आपके घर में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ नेचुरल है, कुछ भी केमिकल नहीं है, ऑल इंग्रेडिएंट्स आर नेचुरल एंड इजीली अवेलेबल ऑल्सो। और इसके अंदर एक चीज लिखी है जो कि है एनहांसेस फेयरनेस ग्लो ऑफ स्किन, रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस। अब आपको और क्या चाहिए, सब कुछ तो इसमें है। आपकी स्किन को फेयर करेगा, ग्लोइंग स्किन मिलेगी आपको इससे, और ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट्स गायब हो जाएंगे। अब इसके अलावा आपको चाहिए क्या, आप लोगों को पार्लर जैसा निखार, ब्यूटी, एकदम ब्यूटी ट्रीटमेंट जो पार्लर पे जाके आप लोग करवा के आते हैं वो घर पे मिल जाएगा। और ये बॉडी उबतन है, पूरी बॉडी पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फेस पे यूज़ कर सकते हैं, हैंड पे यूज़ कर सकते हैं, फीट, लेग्स, बॉडी, यानी कि आप पूरी बॉडी पर इसको लगा करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसको रगड़ रगड़ के आपको वॉश करना है। और इसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा आपकी बॉडी एकदम स्मूथ होगी, एकदम ग्लो करेगी और एकदम आपको एकदम चमक नजर आएगी आपकी बॉडी में। मैंने जब इस बॉडी उबतन को यूज़ किया था तब भी स्किन में थी टैनिंग, सन की वजह से मेरे को टैनिंग हो गई थी और नेक पर जो नेक का पीछे वाला एरिया होता है यहाँ से नेक पर, हैंड्स पर, फीट के, मेरी फीट पर हर जगह टैनिंग थी। इसको यूज करने के बाद फर्स्ट यूज में टैनिंग गायब, खत्म, बिल्कुल खत्म हो गई टैनिंग। तो आप देखिए, आप खुद ही देखिए, आप इसको यूज करके अगर एक बार आप यूज कर लेंगे डेफिनेटली आप इसको बार बार लेके आने वाले हैं। अभी आपको जरूरी नहीं है कि आप ये जाके मार्केट से खरीद के लेके आए, मैंने आपको इंग्रेडिएंट का लिस्ट भी बता दिया है, मैं इंग्रेडिएंट का एक फोटो भी अपने इस वीडियो में डाल दूंगी। आप वो इंग्रेडिएंट्स ये सब कुछ देकर पाउडर फॉर्म में लेकर इनको मिक्स करना है बस, और जब आपने इसको यूज करना है तो ये पाउडर मिक्सचर जो होगा इसको वाटर के अंदर मिक्स करना है। आपको एक लेप जैसे होता है ना, थोड़ा बहुत पतला लेप नहीं, थिक लेप, यानी कि मोटा, थोड़ा मोटा भी, बहुत मोटा भी नहीं, बहुत बहुत गाढ़ा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं, मीडियम रेशो रखना है आपको उसका। और इसको पानी के साथ मिक्स करना है, आप चाहें तो उसके अंदर दही के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पानी लिखा हुआ है तो आप पानी के साथ इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर जो है वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन की ग्लो के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए हर चीज़ बढ़िया है इसके अंदर। तो आपको कर्ड डालने की जरूरत नहीं है, इन्होंने वाटर लिखा है, वाटर भी डाल सकते हैं, अगर आप कर्ड डालना चाहते हैं तो आप कर्ड डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे भी बना सकते हैं, आप इसको अगर घर पे नहीं टाइम आपके पास तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मुझे लगा एक्चुअली। पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो एकदम हर्बल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कुछ भी केमिकल नहीं है उनमें, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत इफेक्टिव लगा। आप लोग इसे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, बहुत पसंद आएगा। एक बार ये ट्राई करके देखिए, आपकी
सारी स्किन प्रॉब्लम्स का सलूशन यही है। आप प्रोडक्ट यूज कीजिए या फिर आप घर पे बनाकर यूज कीजिए, दिस इज योर चॉइस, टोटली योर चॉइस। मैं आपको एक बार इसको दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कैसा है। पाउडर फॉर्म में है, कपूर की इसके अंदर से बहुत ही तेज फ्रेग्रेंस आती है, बट दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। तो इसको आपको सिर्फ पानी के साथ मिक्स करना है और यूज करना है, नथिंग टू डू विद दिस। आपको रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, प्योर इंग्रेडिएंट्स, प्योर प्रोडक्ट है। तो आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही और यूजफुल DIYs और प्रोडक्ट्स बताती रहूँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, जो नेचुरल हैं। कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट मैं नहीं बताती हूँ। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बता रही हूँ तो नेचुरल है, हर्बल प्रोडक्ट है, सभी इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, कुछ भी केमिकल मिक्स नहीं है, वही प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।